गाड़ी में खाना ना परोसने पर शराबी युवकों द्वारा ढाबा संचालक की पिटाई। यमुनानगर के छछरौली में एक ढाबा संचालक की पिटाई करने की घटना सामने आई है। दरअसल शराब के नशे में चार युवकों द्वारा ढाबा मालिक को गाड़ी में खाना परोसने के लिए कहा गया, लेकिन ढाबा मालिक द्वारा मना करने पर युवकों ने बहसबाजी और गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद शराबी युवकों ने ढाबा मालिक की पिटाई की और वहां से फरार हो गए। पिटाई की यह लाइव वीडियो ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित ढाबा मालिक की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये शराब पीगा है जी, शराब पीगा थपाई करी के ले बने। ये जायदरी के थे, एक टेंट की दुकान है जिसकी एक यू पीगा है जो खनन का काम करा, इसके रिश्ते बजरी के साथ में जो यू टेंट की दुकान है, गोली नाम जयपाल का लड़का है, जायदरी के कुछ बताया तब तेरे को ऐसी मार देंगे यहाँ पर। टोल नंबर पे फोन किया, उन्हें छरौली थाने में फोन किया, छरौली थाने वाले ने हमारे पास फोन किया भी सुबह रपट लिखाना, हमें सुबह रपट लिखवाई है। लड़के यहाँ काउंटर पकड़े गए, खाना खा मैं पजाई दे, क्यों लगा गाड़ी में अकेला जाना, रोटी खाना खाने यहाँ खा लो। गाड़ी का अवतार दी, गले पर हाथ पाया, खड़ा कर गड्डियों पर जाओ, ये बता गड्डियों मेरे पर जाने गाड़ी पंजा मारपीट गई इन्होंने लड़के के लोग, बैठ मारी, धक्के मुझे दिए, मैं चला गया, मेरे कपड़े सारे खूनों में पड़े, अच्छा भाई पूरी करी।